इंद्र की शक्ति की महिमा। अपनी शक्ति से बलवान महान सामर्थ्यवान इंद्र, तूने न हिलने वाली बलशाली और दृढ़ शत्रु की पुरियों को दर्शक शक्ति से भग्न किया, तोड़ डाला। हे निज सामर्थ्यवान इंद्र, मन के समान अत्यंत वेग से शत्रु पर प्रहार करने वाले, पर्वमान वज्र से अपने कपट के कारण वराने वाले उस शत्रु का तुमने नाश किया। अपने निज सामर्थ्य से युक्त जिसमें पर्व हैं, ऐसा वज्र जिसमें गांठे हैं, नौके हैं तथा धाराएं हैं, उनकी अनेक होती हैं, वह वज्र धारा वाला शस्त्र न हिलने वाला बलवान प्रतापी और सुस्थिर बलवान सुदृढ़ शत्रु के नागरिक कीलों के अपने धर्षक सामर्थ्य से तुमने तोड़ दिए। इस मंत्र में युद्ध नीति कही है, शत्रु को अति क्षीण अस्त्र से मारने योग्य है तथा शत्रु की नगरियों को भी तोड़ना तथा अपने अधीन करना उचित है। इस मंत्र के पद वीर की शक्ति का सामर्थ्य वर्णन करने वाले हैं। इस अपूर्व बुद्धि पूर्वक की गई स्तुति द्वारा अत्यंत बलवान पुरातन उस इंद्र का प्राचीन रीति से अनुसार यज्ञ विस्तार करने के लिए प्रयत्न करता हूँ। इसको सुनकर अपार महिमा वाला, सुंदर वाहन वाला वह इंद्र समस्त संकटों से हमें पार ले आवे। अपूर्व और बुद्धिपूर्वक किए गए इस स्त्रोत उस बलवान पुराण पुरुष इंद्र का प्राचीनों जैसा यश फैलाने के लिए मैं काव्य गान करता हूँ। जो यह मंत्र राज्य शासन का उपदेश कर रहा है, अपने पास शास्त्रों का सुयोग्य संग्रह करना और शत्रुओं के कपट प्रयोगों को दूर करना चाहिए। शत्रुओं के नाश करने के लिए बड़ा अविनाशी संयत स्वस्ति संयम में रहने वाली और कल्याण करने वाली संपत्ति चाहिए। रथ के घोड़े अच्छे हों, उत्तम शिक्षित हों, जिससे उनकी उत्तम प्रशंसा होती रहे। जो तीखे सींग वाले बैल के समान भयंकर एक विश्वाकृष्टि या प्रच्याम्बयति अकेला ही सभी शत्रुओं को स्थान सुभ्रष्ट कर देता है। जो दान न देने वाले को अनेकों घरों में स्थान भ्रष्ट कर देता है। तू यज्ञ करने वालों के लिए धन देता है। वीर तीक्ष्ण सींग वाले बैल के समान बलवान और भयंकर हों, वह सब शत्रुओं को स्थान भ्रष्ट करे। कोई शत्रु अपने स्थान पर स्थिर न रह सके। कंजूस तथा अनुदार लोगों के लिए भी स्थिर ना हों, ऐसे लोग राष्ट्र में बलवान न होने पाए। जो यज्ञ करता है और जो दान देता है उसको पर्याप्त धन प्राप्त हो। एक भीमा विश्वा कृष्टि सब प्रचावयति, अकेला सूर वीर सब शत्रुओं को अपने स्थान से उखाड़ देता है। कंजूस के घरों को उखाड़ने वाला वीर हो, कंजूस राष्ट्र में न रहें। यज्ञकर्ता को धन दो, सब लोग यज्ञकर्ता को धन दान करते रहें। धन के अभाव के कारण यह यज्ञ बंद न होना पड़े। राष्ट्र के दाता लोग राष्ट्र में यज्ञ होते रहें, इतना दान यज्ञकर्ताओं को दें। हे इंद्र, आपने तब अपने शरीर से सुश्रुवा करके युद्ध में कुस्थ की सुरक्षा की, उस अर्जुनी के पुत्र कुत्स को धन दिया और दास सुष्ण कोयव का नाश किया। नाश करता है, घातपात करता है, लोगों को नष्ट भ्रष्ट करता है, समाज में उपद्रव मचाता है। वह एक जो लोगों के धनों भोगों और सुखों का शोषण करता है, अपने सुख के लिए दूसरों का नाश करता है। वह है कि जो अपने बुरे सड़े जौ को अच्छे बताकर लोगों को देता है, इससे खाने वालों के स्वास्थ्य बिगड़ जाते हैं। इनका समाज के हित के लिए नाश करना चाहिए। स्वयं अपने प्रयत्न से युद्ध में अपने अनुयायी कुत्स की रक्षा की, अपने जो अनुयायी होंगे उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। घातपाती शोषण करता तथा बुरे रोगोत्पादक धान्य का व्यवहार करने वालों का नाश कर, समाज से इनको दूर कर, इनको उत्तम शिक्षा दो, उन पर शुभ संस्कार कर, जिससे वे सब घातपात के कर्म न कर सकें, ऐसा कर। हे शत्रु धर्षक इंद्र, तूने अपने बल से अन्न का दान करने वाले सुस्वादु
उतावे अनेक संरक्षण के साधनों से संरक्षण किया। व्रत वध करने से युद्ध में तथा क्षेत्र का बंटवारा करने के समय पुरुकुत्स के पुत्र स्त्रदस्यु तथा पुरुष का संरक्षण किया। शत्रु को उखाड़ने के बल से सब सुरक्षा के साधनों द्वारा प्रजा का संरक्षण करो, अर्थात शत्रु को उखाड़ दो और संरक्षण के साधनों से प्रजा का संरक्षण करो। हे मनुष्यों के मनों को आकर्षित करने वाले इंद्र, अथवा जिसका मन मनुष्यों का हित करने में लगा है, ऐसे इंद्र अपने वीरों के द्वारा बहुत शत्रुओं को मारता है। हे हरिद्वरण घोड़ों वाले इंद्र, दविति के लिए वज्र के द्वारा दस्यु चुमुर ध्वनि को खुलाया और सुलाया मारा। मनुष्यों का प्रजाजनों का हित करने वाले में जिसका मन तत्पर रहता है, इसलिए प्रजाओं का मन जिसमें लगा है, जिसने प्रजाओं का मन आकर्षित किया है, जहाँ देवों का सत्कार होता है, व्यवहार करने वाले जहाँ एकत्रित होते हैं, वीर जहाँ एकत्रित होते हैं, यज्ञ सभा अथवा युद्ध, लाल रंग के घोड़े जिसके रथ को जोतते हैं, जिससे शत्रु अच्छी तरह काटे जाते हैं, वह शस्त्र तीक्ष्ण धार वाला शस्त्र, घातपात करने वाला, चुभ चुभ कर कष्ट देकर नाश करने वाला, हिलाने वाला, भगाने वाला, जो अपने निवास स्थान में सुख से रहने नहीं देता, ये सब समाज के शत्रु हैं, इनको दूर करना चाहिए। दमन के कारण को भयभीत हुआ है, मनुष्यों का हित करने के लिए अपना मन लगा, प्रजा का हित करने में तत्पर हो, प्रजा के मनों को आकर्षित कर और युद्ध में अपने वीरों द्वारा बहुत शत्रुओं का नाश कर। घातपाती कष्टदायी घबराहट कराने वाला शत्रुओं का वध कर ये फिर से ना उठें, ऐसा कर। दमन के कारण जो भयभीत हुआ है उसकी सुरक्षा करने के लिए बहुत दुष्टों का वध कर, प्रजा पर कोई दमन न करे, ऐसा कर। हे वज्रधारी इंद्र, तेरे वे प्रसिद्ध बल हैं जो तूने शत्रु के 99 नगरों का भेदन तत्काल ही किया था। अपने ठहरने के लिए जब सौमी नगरी में तूने प्रवेश किया, उसी समय व्रत को तूने मारा और नमुची को भी मारा। शत्रु के किलों, प्राकारों तथा नगरों का नाश करना चाहिए, उन पर अपना स्वामित्व स्थापन करना चाहिए, तथा उनमें जो नाना रूपों में कष्ट देने वाला शत्रु रहते हों, उनका नाश करना चाहिए। हाथ में वज्र तीक्ष्ण धारा का शस्त्र धारण करने वाला वीर, यह वीर 99 शत्रु के 99 नगरियों का भेदन करता है, नगरी के बाहर के किलों का तथा उनके प्रकारों का नाश करके विजयी होकर उन नगरियों में प्रवेश करता है और स्वयं सौभी नगरी में प्रवेश करके वहां रहता है, जो घेर कर हमला करता है और जो प्रयत्न करने पर भी छोड़ता नहीं, किसी ना किसी रूप में वहां रहता है और कष्ट ही देता है, ये सब शत्रु हैं, इनका नाश इंद्र करता है। हे इंद्र, तुझे हव्या देने वाले दानी सुदास के लिए जो तूने भोग के योग्य धन दिए, वे सदा टिकने वाले ये हैं। पुरुष बहुत शक्तिमान वीर बलशाली ऐसे तुझे लाने के लिए रथ को बलशाली घोड़े जोतता है। स्तुति बलशाली ऐसे वीर पहुँचे, दाता के लिए उपभोग करने ले योग्य शाश्वत टिकने वाले भोग दो। बहुत शक्तिमान वन अपने बहुत सामर्थ्य बढ़ाओ, धनवान बैल जैसे शक्तिमान बलवान वीर के पास प्रशंसा के वर्णन पहुँचे, बलवान की प्रशंसा ही होती है। बलवान घोड़े हैं, रथ को जोतता हूँ, रथ में बलवान घोड़े जोतते चाहिए। बलशाली और घोड़े वाले इंद्र, तेरी इस प्रशंसा से दूसरों से सहाय लेने का पाप हमसे न हो, हमें बाधा न करने वाले संरक्षक साधनों से बचाओ, ज्ञानियों से हम तेरे अधिक प्रिय बने। मनुष्य शक्तिशाली बने, दूसरों की सहायता से ही सब कार्य करने का पाप कोई ना करे, अपनी शक्ति से अपने कार्य करें, स्वावलंबशील बने, क्रूरता रहित संरक्षक साधनों से प्रजाजनों से बचाव होता रहे, ज्ञानियों में भी अधिक विद्वान बनकर प्रभु के प्यारे भक्त बने, परिश्रम करने की शक्ति, शत्रु का पराभव करने की शक्ति, ऐसा अनेक शक्तियों से युक्त
घोड़े पास रखने वाला वीर, दूसरों से सहायता लेकर ही अपने कार्य करने की स्थिति, यह अत्यंत निकृष्ट स्थिति है। अतः यह पाप की अवस्था है। ऐसी स्थिति में हमें न रहना पड़े, अर्थात हम अपनी शक्ति से ही अपने सब कार्य करें, इतनी हमारी शक्ति बढ़ चुकी हो। ब्रक क्रूरता का रूप है। अब्रक से क्रूरता रहित वीरता का बोध होता है। बरुत संरक्षण साधनों का नाम है। क्रूरता रहित रक्षा के साधनों से हमारा तारण है। हम ज्ञानियों में अधिक ज्ञानी बने। हम हमारे ज्ञान की अधिकता के कारण हम प्रमुख प्यार बने। धनवान इंद्र तेरी स्तुति करते हुए, हम सब नता समान कार्य करने वाले तुम्हारे प्रिय होकर अपने घर में आनंद से रहें। अतिथि सत्कार करने वालों के लिए प्रशंसनीय सुख की अवस्था निर्माण करके सूर्यवश इन शत्रुओं का अपने वश में करें। धनवान बनो, क्योंकि धन से सब कार्य होते हैं। अपने देश में सुख से रहो, अपने ही देश में दुख भोगने का अवसर न आवे। अतिथि सत्कार करो, शत्रुओं को वश में रखो, उनको बढ़ने ना दो। धनवान बनना चाहिए, क्योंकि धन से ही सब कार्य होते हैं। मघवन इंद्र की शतक्रतु सैकड़ों कार्य करने वाले होते हैं। एक कार्य करने